बात नहीं है, ये जो बीमारी आई कोरोना जो बीमारी आई है ये अलग तरफ से आई, कोई तबलीगी जमात से नहीं आई ना, ये साथ मौलाना साहब ने कोई बीमारी नहीं लाई है। मौलाना साहब जो है ये बहुत अल्लाह वाले है। अरे अल्लाह वालों की बात, अल्लाह वालों को ये जो बात कर रहे हैं दिली तकलीफ दे रही है और उन पर जो गुनाह दाखिल करने का बोल रहे हैं, मौलाना साहब के ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे, जो भी करेंगे, जो भी होंगे, ये बीमारी अलग तरफ से है ना, मौलाना साहब ने थोड़ी बीमारी लाई है, ये बाहर से आने वाले लाए, ये सबसे पहले चाइना में आई, चाइना से बाद में फिर उधर वहाँ से अमरीका में आई, ईरान जा बीमारी आ रही है, ये खुदा का एक बुआई अल्लाह की तरफ से आई हुई है और खुदा का खैर है ये, और अल्लाह बीमारी लाई भी अल्लाह ने, बीमारी अल्लाह हटाने वाले है ये, और ये मौलाना साहब के ऊपर और तबली जमात के ऊपर जो लोगों ने जोड़ दिए, क्या तबली जमात ऐसा कर रही, तबली जमात ऐसा कर रही, ये गलत है, ये मीडिया के जो लोग बोल रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, पूरे मीडिया वाले बात उछाल रहे हैं मौलाना साहब के ऊपर, ये बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं ये, इनकी बात जो है पूरे दुनिया में चलती, और आज दिल्ली मरकज जो चलता है इनकी उस पर चलता है, पूरे दुनिया के अमीर है ये, पूरे मुसलमानों के अमीर है, पूरे दुनिया के अमीर है ये, और ये जहाँ तक इनकी बात चलती है तो कोई किसी से पैसा लेते ना, किसी से कुछ लेते हो, कोई उनका वफाद नहीं है उसके अंदर, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ की उनको आई है, अल्लाह की रजा कैसे काम कर रहे हैं तभी जमात, चार महीने जो चल रहे, तीन महीने चल रहे, साल का चिल्ला लगा रहे, जो भी है अल्लाह की उस पर सब अपना जान माल अपना अपना खर्चा करते, सब अच्छा का मामला करते, भलाई का मामला करते, आसमान की जमीन की बात करते, बाकी कोई बात नहीं करते, कोई सियासत नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं इसके अंदर, कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह रसूल की बात करते ही, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात करते, आसमान वाले की बात करते, जमीन वाले की बात करते, बाकी उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, मौलाना साहब को भी नहीं है, जमात को भी नहीं है, ये सब ये चीज़ों ने सबने सोचना चाहिए, और किसी पे भी ये तोहमत मत लगाओ, अल्लाह क्या से मत लगाओ तोहमत, ये क्या आज 100 साल से काम चालू है तबली जमात का, ये क्या अल्लाह के आस्ते किसी पे तो मत लगाओ, ना मौलाना साहब पे लगाओ, ना तबली जमात के ऊपर लगाओ, किसके आस्ते मत लगाओ, सिर्फ अल्लाह की रजा के आस्ते में काम कर रहे हैं हम, पूरी तबली जमात मौलाना साहब भी कर रहे हैं, जमात दुनिया में जो चल रही है, दुनिया कोने कोने में काम चल रहा है अल्लाह का काम होने, जो गलत बात कर रहे हैं भाई तबली जमात ऐसा कर रही, तबली जमात आया तो उसने करोना लाया, अरे तब करोना लगेगा तबली जमात वाले, ये तो करोना को भगा देंगे, ये अभी दुआ करते अल्लाह से कि करोना को भागे, करोना भागेंगे इससे, हाँ मोनिरुद्दीन कासिम में इमाम कुरैश मस्जिद सिलेखाना औरंगाबाद, मैं तमाम शहर औरंगाबाद मुसलमान से अपील करता हूँ कि आज जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकुर साहब जो ऐलान करें, हम सब मिलकर उसके पालन करें, क्योंकि इनके हुक्म को इत्तबा करना, पालन करना ये हमारे लिए कर्तव्य है, ज़रूरी है, और ये जो डिसीजन लिया ना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारा हमारे साथी का बोलना है भाई ये खोल जाना चाहिए था कि नमाज की तकलीफ हो रही, कारोबार में परेशान है, एक्चुअली देखा जाए तो ये जो है बंद जो अवर उन्होंने जो एक तारीख के लिए रखा, ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया, 30 तारीख के लिए जो रखा बहुत अच्छा रखा, क्योंकि अगर खोल देगा तो इधर से उधर से लोग आना जाना चालू हो जाएगा तो बीमारी बढ़ने की खतरा रहेगा, इसलिए जो है उनका डिसीजन पर हम पालन करें, और जिस तरह हम जुमा अभी हम घरों में पढ़े 3 जुमा, इसी तरह रमजान के महीने में भी इंशाल्लाह हम घर में नमाज अदा करेंगे, तरावीह अदा करेंगे, मस्जिद में सिर्फ आजान होंगी, और पुलिस जो वो सरकारी है उनके हम मदद करें, हर तरफ से तावन करें, उनके साथ हम कोई गड़बड़ ना करें, हरे तुरे में ना आए, बाज़ कभी गुस्सा में आ जाते नौजवान लोग जैसे पुलिस पकड़ते हैं रास्ता में, तो हम गुस्सा में ना आए बल्कि उनकी तावन करें, और ज़्यादा इधर उधर भागने की कोशिश ना करें, बल्कि हर शख्स अपने घर में रहकर तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से पनाह मांगे, ये हमारी गलती ये हमारे गुनाह की सज़ा है, अल्लाह ताला बीमारी देने वाली जाता है और अल्लाह शिफा देने वाली जाता है, और जो बीमारी अल्लाह ने भेजी अल्लाह ने उठाया, कोई किसी मजहब पर हम तावन ना ये वो तोहमत ना लगाए, ये अल्जाम ना लगाए, ये अल्लाह की तरफ से आज़ाब है तो अल्लाह इस आज़ाब को उठाने वाला है, इसलिए हम सब तौबा इस्तग़फ़ार करें, आपस में प्यार और मोहब्बत के सबूत दें, और जो हमारे गरीब भाई हैं पड़ोसी हैं या दूर हैं या रिश्तेदार हैं, हम मालदारों से दरख्वास्त करते हैं कि चुपचाप जो है उनकी मदद करें, बल्कि पेपरबाजी ना करें, शोबाजी ना करें, टीवीबाजी ना करें, बल्कि चुपचाप जो ज़रूरत है अल्लाह के वास्ते उनकी मदद करें, रमजान में जैसे हम ज़कात निकालते हैं वो ज़कात अभी निकाल कर उनकी मदद करें, अल्लाह ताला बहुत अजर सवाब अता फरमाएंगे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
अगर तुम्हारे पास कुछ खाना पाके तो अगर गोश्त कम हो तो शुरू बढ़ा दो, इसलिए कि ताकि तुम्हारे पड़ोसी भी कुछ मिल जाए। इसलिए दोस्तों और तमाम मुसलमानों से हमारा दरख्वास्त है कि आप रमज़ान मुबारक महीना, इतना मुबारक महीना सामने है, हम उसकी आबी से अहतमाम करें, नमाज की पाबंदी के घर में माँ बच्चों के हुक्म दें, नौजवान बच्चों के भागन बुटी करने ना दें, बल्कि जितना देर हम घर में बैठे हैं तोबा इस्तगफार करें। ये अल्लाह की तरफ से एक मौका है कि हम अल्लाह को याद करने का मौका मिल गया। अब सूरह इखलास के अहतमाम करो, यासीन सूरह के अहतमाम करो और जो है ना पाँच वक्त नमाज दूसरे मिल के जमात बनाओ। ऐसा नहीं एक आदमी पढ़ लिया छोड़ दिया, नहीं, घर में जितना आदमी है सब मिलके जो है ना जमा के अहतमाम करो। अल्लाह का भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर दो आदमी जंगल में हो तो दोनों जमात से नमाज पढ़े, दो आदमी की नमाज अल्लाह के सामने बहुत ऊंचा मकाम रखते हैं। इसीलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि भाई सब मिलकर हुकूमत के साथ दें और गरीबों की मदद करें, नमाज के अहतमाम करें, तो इस्तगफार करें, कोई किसी पर इल्ज़ाम ना लगे। अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ी मेहरबानी है, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? डॉक्टर बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, वो भी अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, बीमार आदमी के सामने रह के लोग दूरी रख रहे हैं, डॉक्टर खरीब रह के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, और पुलिस बेचारी रात दिन रोड पे खड़ी भी है, पब्लिक को समझा रही कि भाई भागो मत, ये देखो तुम हम तुम्हारे लिए आज से खड़े हुए हम यहाँ पे, तुम मास्क लगा के चलो, घर में दूरी रखो, रोड के ऊपर क्यों निकल रहे तुम, अपने अपने घरों में रहो। हाँ, सबका फैसला ये है अपने कि भाई घरों में रहो, और घरों में रहना चाहिए, मुख्यमंत्री का भी है, पुलिस वालों का भी है, बोलना यही है कि भाई घरों पे रहो, बाहर रोड पे मत आओ, तुम्हारी बात के लिए, और हम तुम्हारी बात के लिए कर रहे हैं, हमारे उसमें हमारा क्या है, हम आपकी सेफ्टी कर रहे हैं कि भाई आप उसमें रहो करके। और मोदी जी भी वही बोल रहे हैं कि जहाँ है लोग वहीं ठहर जाओ, जहाँ है वहीं रहो, कोई आगे मत बढ़ो और अपने इतिहास से रहो। ये मोदी जी का ही बोल रही है, पूरी हुकूमत भी वही बोल रही है, पुलिस वाले बोल रहे हैं, डॉक्टर है, नर्स है, मेडिकल के लोग पूरे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे, पूरे डॉक्टर अपना अंजाम दे रहे, क्या घाटी में चिकनानी की घाटी के अंदर लिया रहे लोगों को, वहाँ पे चेकअप कर रहे हैं, घाटी में चेकअप नहीं हो रहा, ये कोरोना का चेकअप हो रहा है यहाँ, हो रहा चिकनानी की घाटी में, और वहाँ ले आके सब लोग वो कर रहे बेचारे, वो अपनी मदद कर रहे हैं, अपन उनके हेल्प करो, अपन भी पूरे पब्लिक मिलके, नौजवान बच्चे पूरे। हाजी साहब, अभी ये लॉकडाउन में जो मजदूर तबका परेशान है, ये मजदूर मदद पहुंचा गया क्या आपकी तरफ से? अब ये गरीबों को मदद पहुंचा रहे सब भाई लोग अपने पूरे मिलके, जैसी जैसी पहुंचाना है लोग पहुंचा रहे, गरीबों को अनाज है जो भी है, चावल वावल जो भी है, लोग एक दूसरे को पहुंचा दे रहे, अपने अपने एरिया में चल रहा, मस्जिदों में इधर जो भी है, क्या भी देना है लोग पहुंचा दे रहे, मगर